तो गाइज यार बहुत ही जल्द हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बहुत सारे फ्री इमोट्स मिलने वाले हैं। मुझे पता है गाइज आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले किसी भी फ्री इमोट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बट आप लोग जानना जरूर चाहते होंगे कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर कब कैसे और कौन से फ्री इमोट मिलने वाले हैं। तो गाइज यार देखो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को कब कैसे और कौन से इमोट फ्री मिलेंगे। फिर गाइज इतना ही नहीं, आज के वीडियो में तो और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ गाइज यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज एक टुनाइट अपडेट बताऊंगा। फिर गाइज यार हमारे गेम के अंदर अभी एक फ्लाइंग ग्लिच चल रहा है, जिस ग्लिच को यूज करके आप लोग हवा में उड़ने लग जाओगे। तो इस ग्लिच को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो ये भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर गाइज यार इतना ही नहीं, बहुत टाइम से फ्री फायर मैक्स बैन के रिगार्डिंग काफी सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आज मैं आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या सच में हमारा फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है या फिर बस ये एक अफवाह है, आज मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूंगा। भाई लिटरली यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए गाइस आज के वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस सबसे पहले ही हम लोग बात करते हैं फ्री फायर मैक्स बैन के बारे में। यहाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बता दू, पिछले साल जब हमारा फ्री फायर गेम बैन हुआ था तो उसके बैन होने के लगभग एक डेढ़ हफ्ते पहले हमारी जो रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट थी वो भी बैन हो चुकी थी। हाँ गाइस यार पहले रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट बैन हुई, इसके बाद हमारा गेम बैन हो चुका था। और गाइस सेम इसी तरीके से इस बार भी हुआ है। अभी कुछ ही टाइम पहले हमारी जो फ्री फायर मैक्स की रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट थी वो भी शट डाउन हो चुकी है, और भाई वो खुल ही नहीं रही थी। इसी वजह से गाइस यार बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे बंदे बोलने लगे कि अब हमारा फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाएगा। और इससे गाइस यार ऑडियंस बहुत ज्यादा डर गई और सभी लोग सोचने लगे कि यार अब तो हमारा फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाएगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये लफड़ा बहुत ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे ही मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया था कि भाई ये जो रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट शट डाउन हुई है इसको गाइस ना फ्री फायर ने मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन किया और ये खुद ही थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। और मैंने उसी टाइम पे आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि हमारा फ्री फायर मैक्स गेम बैन नहीं होने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो कल ही रात जो हमारी फ्री फायर वाली रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट है वो वापस से चालू हो गई है। जी हाँ गाइस यार अगर अभी के टाइम पे आप लोग सर्च करोगे तो वेबसाइट एकदम पूरी तरीके से काम कर रही है। तो देख लो यार जो भी बंदा बोल रहा था कि वेबसाइट शट डाउन हुई है और अब हमारा फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाएगा, तो यार एक नंबर का फेकू था यार वो। मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी लेजिट इन्फॉर्मेशन दी थी और अभी के टाइम पे प्रूफ भी हो चुका है कि मैंने आप लोगों को एकदम सच बताया था। आप लोग खुद ही देखो वेबसाइट चालू हो गई है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि वेबसाइट चालू हो गई। अभी सबके मन में जो डर था फ्री फायर मैक्स बैन का वो गायब हो चुका होगा। तो गाइस यार होप करता हूं अभी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हमारा फ्री फायर मैक्स गेम कहीं भी नहीं जा रहा है। जो जो बोल रहे थे बैन होने वाला वो सब झूठ था। तो इसीलिए गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे बहुत ही कमाल के ग्लिच के बारे में जिसको यूज करके गाइस यार आप उड़ सकते हो। भाई लिटरली यार आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पर मैं इस ग्लिच को यूज कर रहा हूँ और मेरा दोस्त मुझे स्पेक्टेटर से रिकॉर्ड कर रहा है। आप लोग देखो मैं कितना भयानक उड़ता हुआ खेल रहा हूँ। मुझे पता है गाइस अभी आप लोग बोल रहे होगे कि यार ये तो एंटी ग्रेविटी वाला इलाका है, यहाँ पर तो सभी उड़ते हैं। तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मानता हूँ कि ये एरिया एंटी ग्रेविटी वाला होता है, बट गाइस यहाँ पर हम लोग एक दो जगह पर ही ऊंचा उछाल मार पाते हैं, बट गाइस मैं तो हर जगह पर ही उड़ रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए होंगे इस ग्लिच को देख के और जानना चाहते होंगे कि यार आखिर ये ग्लिच वर्क कैसे कर रहा है, और मुझे पता है आप लोग भी गेम के अंदर उड़ना चाहते होंगे। तो गाइस यार देखो ये ग्लिच बहुत ही सिंपल है, बट यार इस ग्लिच में अभी मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बता देता हूँ। ये जो कैरेक्टर इसमें उड़ता है ये बस आप लोगों को जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा उसको उड़ता हुआ दिखेगा, एक्चुअल में कोई कैरेक्टर उड़ता नहीं है। जी हाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग गेम खेल रहे होगे आप लोगों को बस अपने जंप वाले बटन को लगातार दबाते जाना है। और गाइस यार जैसे आप लोग लगातार दबाते जाओगे जंप वाले बटन को तो आप लोगों को स्पेक्टेटर से देखने वाले बंदों को ऐसा लगेगा कि आप लोग हवा में उड़ रहे हो, उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी आप लोग जमीन में लैंड भी करे। वो जो आप लोग कूदते रहोगे उसको सिर्फ कूदते हुए दिखोगे। भाई सच में यार बहुत ही फनी ग्लिच है। मैं तो रैंडम गेम के अंदर जाके एक ग्लिच को यूज कर रहा था और सभी बंदे स्पेक्टेटर से बोल रहे थे कि भाई ये तो हैकर है। बहुत मजा आया यार गेम खेलने में। तो गाइस यार होप करता हूं आप लोगों को भी एक ग्लिच के बारे में इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के टुनाइट अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात 12 बजे के बाद तो नहीं बट कल यानी कि 18 तारीख की सुबह 4 बजे हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक बहुत ही कमाल का नया रॉयल आने वाला है। और भाई सच में यार इस रॉयल के अंदर काफी ओपी से बंडल अवेलेबल है। जैसे कि गाइस यार सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस कमाल के मेल बंडल को देखो, भाई कितना कमाल का लग रहा है। इसका जो अपर है आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है, काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। होप करता हूं गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर गाइस यार यहाँ पर इसके बाद एक फीमेल बंडल भी अवेलेबल है। एंड भाई सच में यार ये फीमेल बंडल भी काफी सही लग रहा है। भाई मुझे कोई फीमेल बंडल पसंद नहीं आता है बट फिर भी यार मुझे ये वाला काफी बढ़िया लगा। देन गाइस यार यहाँ पर आप
लोग एक और मेल बंडल देखो, मैं आप लोगों को बता दूं ये वाला मेल बंडल भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो इसके शोल्डर से साइनिंग वाला इफेक्ट आ रहा है वो तो एक नंबर है। फिर गाइस यार यहाँ पर इस बंडल के बाद एक बहुत ही कमाल का ब्लैक टी शर्ट भी अवेलेबल है जिसके ऊपर मॉनसून ओराकी का साइन बना हुआ है। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ब्लैक टी शर्ट साथ ही साथ इस रॉयल के अंदर जितने भी बंडल अवेलेबल है सारे एक नंबर है। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को इसके अंदर अवेलेबल बंडल और ये पूरा का पूरा रॉयल काफी ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो भाई जब ये रॉयल हमारे गेम के अंदर कल आएगा तो मैं तो यार शायद इसके अंदर स्पिन नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस यार मेरी आईडी के अंदर 240 डायमंड है। मैं इन्हीं से स्पिन करूंगा, अगर मुझे कुछ मिल गया तो मिल गया, वरना भाड़ में जाए मैं कुछ स्पिन करने के लिए डायमंड नहीं खरीदने वाला हूँ। बाकी गाइस यार क्या आप लोग भी इस इवेंट के अंदर स्पिन करोगे या फिर नहीं करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई सच में यार मैं रोज आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आप लोग रोज कमेंट करते ही नहीं हो। तो गाइस यार आज तो सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बता देना कि क्या आप लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले नए रॉयल में स्पिन करोगे या फिर नहीं करोगे। बाकी तो गाइस यार अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाला नया रॉयल दिखा दिया है, तो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपअप इवेंट का भी रिव्यू करवा देता हूँ। क्योंकि गाइस यार होता ही है कि कई सारे बंदे सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग यार इस रॉयल के अंदर स्पिन करने के लिए टॉपअप करें, बट वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग थोड़ा सा रुक जाए और जो हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट टॉपअप इवेंट है हम लोग उसके आने के बाद यहाँ पर से टॉपअप करें, जिससे कि हम लोग को कुछ अच्छे खासे आइटम भी मिल जाए। इसलिए गाइस यार मैं अभी आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टॉपअप इवेंट का रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये टॉप इवेंट अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट टॉप इवेंट है। यहाँ पर गाइस यार सबसे पहले तो हम लोगों को 100 डायमंड के टॉप में एक बहुत ही कमाल का बैकपैक का स्किन मिल रहा है। भाई सच में यार ये बैकपैक का स्किन काफी अच्छा लग रहा है, होप करता हूं गाइस आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। फिर गाइस यार यहाँ पर 300 डायमंड के टॉप में एक साइथ का स्किन अवेलेबल है, एंड यार सच में ये साइथ का स्किन भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद ही देखो इसका कलर जो इसके ऊपर से इफेक्ट आ रहा है सब कुछ एक नंबर है। होप करता हूं गाइस आप लोगों को भी ये साइथ का स्किन पसंद आया होगा। एंड यार क्योंकि फिलहाल मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टॉप इवेंट का भी रिव्यू करवा दिया है, इसलिए गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के फ्री रिवॉर्ड इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को हर बार की तरह इस बार भी हमारे गेम के अंदर होली के टाइम पे हमारे गेम के अंदर एक बहुत ही कमाल का इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर से गाइस हम लोग फ्री इमोट ले सकते हैं। जी हाँ गाइस यार आप लोग इस इवेंट को ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को बता दूं एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा इवेंट हमारे गेम के अंदर होली इवेंट के टाइम पे आने वाला है। और गाइस यार हम लोग यहाँ पर से कोई से भी इमोट को क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ गाइस यार आप लोगों की मर्जी रहेगी, आप लोग कोई से भी इमोट को क्लेम कर सकते हो। एंड अगर गाइस यार हम लोग बात करें यहाँ पर अवेलेबल इमोट्स की, तो गाइस यहाँ पर टोटल 4 इमोट है, जिनमें से गाइस यार हम लोगों को चूज करना पड़ेगा कोई सा भी इमोट जो हमको लेना है। और भाई हम लोग इसको चूज तभी कर पाएंगे जब गाइस यार हम लोग यहाँ पर दिए गए मिशन को कम्प्लीट करेंगे। जी हाँ गाइस यार हम लोगों को हमारे गेम के अंदर कुछ ना कुछ मिशन मिलेगा, जैसे कि हो सकता है हम लोगों को बुइया का मिशन मिले या फिर किल का मिशन मिले, कि हम लोगों को इतने बुइया करने पड़ेंगे या फिर इतने किल करने पड़ेंगे। और गाइस यार जब हम लोग उस मिशन को कम्प्लीट करेंगे तो हम लोग इस इवेंट के अंदर से कोई से भी अपने मन पसंदीदा इमोट को क्लेम कर पाएंगे। लिटरली यार बहुत ही कमाल का इवेंट है और 100% कंफर्म हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इस बार होली इवेंट में आने वाला है। तो गाइस यार होप कर दो आप लोगों को ये फ्री इमोट इवेंट साथ ही साथ आज के वीडियो में जितने भी अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स के बारे में बताया आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। बाकी तो गाइस यार क्योंकि फिलहाल आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।